फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में प्रीवियस 6 लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस कराए, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बेटा एमसीक्यूज भी कुछ कराए गए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, ये दो पार्ट दिए हुए हैं। इन दोनों पार्ट में आपसे कहा गया कि इसको सिंप्लीफाइड करके इसका जवाब बताए। इट इज़ नॉट प्रॉब्लम, सिंपल आसान से क्वेश्चन है। और कीजिए बेटा, ये पहले पार्ट हम करते हैं 2+ i का होल स्क्वायर इक्वल है 3-4 i। यहाँ डिनोमिनेटर तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आपने जानते हैं 2 का स्क्वायर + फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस ऑफ सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमने कोई काम नहीं किया, 3-4 i एज इट इज लिख दिया जाएगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा को तो लाइक करते हैं, लेकिन आयोटा स्क्वायर को पसंद नहीं करते। जब कभी आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह -1 रिप्लेस कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस ऑफ 4 i आ गया, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर दिया गया, अपॉन में 3-4 i आ गया। ऊपर हम गौर करें, ऊपर 3 टर्म लिखी हुई है, ये 4 प्योर रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक हो जाएगा। बताओ 4-1 इट बिकम्स 3 प्लस ऑफ 4 i। 4 और -1 3 आ गया, ये 3-4 i। किसी हद तक हमने सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर को ओपन कर दिया। बट यहाँ गौर करें, देर आर 2 टर्म डिवाइडिंग ईच अदर, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 3+4 i हासिल हो जाएगा। तो यहाँ आपने 3+4 i एज इट इज लिख दिया, यानी ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो कॉपी कर लिया, और इसके कॉन्जुगेट आ गया 3+4 i और 3+4 i, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें फ्रैक्शन फॉर्म है, ऊपर वाले टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3-4 i 3+4 i हो जाएगा, और ऊपर आप लिखेंगे 3+4 i और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3+4 i के साथ, ठीक है। डिनोमिनेटर गौर किया जाए तो फार्मूला बन जाएगा, दोनों सिमिलर टर्म हैं, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म है, प्लस माइनस का फ़र्क है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 i इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ऊपर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी तरीके से कर लें, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 = 9, 3 4 = 12 i। तो बेटा ये 4 i इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 = 12 i हो जाएगा, और प्लस ऑफ 4 i, जब 4 i से मल्टीप्लाई होगा 16 i स्क्वायर आ जाएगा। अगेन आयोटा स्क्वायर को हम पसंद नहीं करते, आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, 9 16 i² 16 आएगा, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, बेटा ये 9 रहेगा, आयोटा इट बिकम्स ऐड हो जाएगा 24 i, यहाँ 16 i² की जगह -1 रिप्लेस कर दिया जाए, ये रहेगा 9+24 i माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस ऑफ 16 लिखा जाएगा। ऊपर गौर करें, ये वाला 9 ये वाला -16 इट बिकम्स -7+24 i हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे हम, ये आ जाएगा 25 के साथ। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सिर्फ ये लिख सकते हैं ब्रेकिंग एलसीएम, 7/25+24 i/25, ये इसका रिजल्ट आ गया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें लिखा है सिंप्लीफाई करना है, 1 - i^4 को, ठीक है। देखिए बेटा, इस 1 - i^4 के लिए हम आपको ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, 1 - i
इसकी पावर 4 लिखी हुई है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, चैप्टर 8 में आपने पढ़ा, तो एक्सपेंड करने पर 5 टर्म मिल जाएंगी, बट इट टेक्स टू मच टाइम, थोड़ा ये कम्बरसम सा हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका यूँ लिखें आप, 1 माइनस आयोटा पावर 4 को स्क्वायर में लिख दें और इसका होल स्क्वायर लिख दें। आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 4। स्क्वायर के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस ऑफ आयोटा का स्क्वायर, और ये वाला होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, ये 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ाया आपको माइनस 1 के बराबर लिखा जाएगा, ये वाला स्क्वायर रहेगा। अब आप गौर करें तो 1 रहा, माइनस का 2 आयोटा, और ये माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर। समझ वाली बात, ये हमने आयोटा पावर 4 को स्क्वायर के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, पहले विद ये जो ब्रैकेट है कर्व ब्रैकेट इसको ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, फिर आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया। अब आप देखें प्लस 1 माइनस 1 बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ रहेगा माइनस 2 आयोटा की पावर स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा और गौर करें, ये स्क्वायर हम बांट देंगे, स्क्वायर माइनस पे अप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, स्क्वायर आयोटा पे अप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर पढ़ा जाएगा। ये 4 रहा, आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस 1 होता है, ये माइनस 4 इसका रिजल्ट आ जाएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।